बट आज अभी नम्रता हमने बात की तो उसमें एक हम जो एक टूल यूज़ करते हैं फैमिलीज के लिए, वो यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं डाटा इंटरवेंशन। सो डाटा इंटरवेंशन एक थेरोप्यूटिक टूल है कि जब भी कोई फैमिली आए उससे डाटा मीन्स समथिंग रिलेटेड टू फैक्ट्स, इंटरवेंशन का मतलब कि अब वो फैक्ट्स इंटरवीन करेंगे, बीच में जाएंगे और वो क्या दिखाएंगे पेशेंट की बीमारी के साइन एंड सिम्टम्स कि पिछले कुछ सालों में क्या था। बट आप उस डाटा इंटरवेंशन को भी कैसे साबोटाज कर देते हो क्योंकि इतनी सिलेक्टिव शेयरिंग करके, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड के बारे में जाके वहां पे क्या बोलूंगी कि उसने मुझे हिट बैक किया, उसने मुझे अब्यूज किया, तो वो हम इंफॉर्मेशन ही होल्ड बैक कर लेते, जिससे मैम ने बोला कि ट्रीटमेंट ही उसका बिल्कुल इफेक्टिव नहीं हो पाता। सो जब हम उस दिन बात कर रहे थे जब सेशन वन हुआ था हमारा कि वो साइन एंड सिम्टम्स क्या है, वो एक तरह से सिर्फ और सिर्फ लाइट डालने के ऊपर था कि हम यहाँ पर पहुंचे क्यों। आपको इस कमरे में कचरा साफ करना है तो इम्पोर्टेंट है, मैं अंधेरे में तो नहीं साफ कर सकती, तो अगर लाइट ऑन हो गई तो मुझे दिख जाएगा कौन सी चीज कहाँ पे मिसप्लेस्ड है, कौन सी चीज डिसऑर्डर में है, तो उसको मैं अरेंज कर लूँ। उसी तरह जब हम ये बात करते हैं डाटा इंटरवेंशन की, उसका काम क्या है कि जो चीजें लाइफ में डिसऑर्डर में हैं वो देख सके हम, अपनी पेन अपनी मिजरी को जो नीचे बैठी हुई है उसको सरफेस पे ले आए और एक राइट डायरेक्शन में चल पड़े। जब तक आप लोग इस टूल को नहीं यूज करोगे कि जब से बीमारी आई और आपका लव्ड वन कैसे बदला, तब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे। तो फिर तो इलाज सुपरफिशियल होगा कि आप आए, आपने 4-5 दिन निकाले और आप गए, क्योंकि ट्रीटमेंट जैसे सर ने बोला प्रोडक्ट से प्रोसेस में, क्योंकि रिकवरी एक प्रोसेस है। कोई ऐसी मिरेकल मेडिसिन नहीं है, जहाँ ऐसी कोई मैजिक वैंड नहीं है कि हम आपको ऐसे मैजिक स्पेल करेंगे उस वैंड के साथ और आपका लव्ड वन ठीक हो जाएगा। इस जर्नी में आपके भी एफर्ट्स लगेंगे एंड देन फिर आपके लव्ड वन आपको देख के, आपकी कन्विक्शन आपकी कमिटमेंट को देख के पीछे धीरे धीरे फॉलो करेगा। सो पहले ये कुर्सियां जो है, जो हम बोलते हैं कि साइको एजुकेशन किसकी चाहिए, फैमिली की। वो तो बीमार है, उसको एक तरफ से हम कह रहे हैं कि वो पेशेंट है और उसको हम कैसे कह रहे हैं कि तू जा, तू मीटिंग में बैठ, तू सुन, तेरे लिए बात हो रही है, तेरे कारण मैं यहाँ पे बैठी हूँ। तो ये प्रोसेस ही उल्टा है। प्रोसेस तो पहले है कि आप लोग यहाँ पे बिल्कुल ओपन माइंडेड, ओपन माइंडेड का मतलब अपनी आंखें अपने कान अपना दिमाग खोल के यहाँ पे रिसीविंग मोड में है, क्योंकि हम जितना मर्जी कह लें अगर आपने अपने हाथ ऐसे अपना दिमाग बंद करके बैठे हैं तो हम जितना मर्जी कह लें हम आपको नहीं दे पाएंगे, आपको खोलना पड़ेगा। और उसमें है क्या, मेरी समझ नहीं चली, मेरे इतने तरीके जो मैंने यूज किए ठीक है वो सारे अब तक तो बिल्कुल कुछ भी नहीं रिजल्ट दे पाए, तो अगर आज मुझे जो कह रहे हैं तो टाइम इन में सरेंडर क्यों नहीं कर पा रहा, इस बात के लिए मैं क्यों अपने उस कश्मकश में अपने साथ लड़ते जा रहा हूं कि नहीं थोड़ी इनकी मान लेंगे थोड़ी अपनी चला लेंगे। तो दो कश्तियों में सवार होके आप कहीं नहीं पहुंचोगे। तो ये सबसे बड़ा एक मतलब आप यहां से डिसीजन मेकिंग कीजिए कि अगर आप हेल्प सीक करना चाहते हैं तो आप फुली सरेंडर कीजिए, हाफ वे नहीं। फिर तो आप प्रोफेशनल के हिसाब से चलिए तो आप देखिए कि रिजल्ट्स आएंगे। और सबसे ज्यादा हम इसलिए कहते हैं कि मेंटल हेल्थ के जो हमें लगता है कि इफेक्टिवनेस ट्रीटमेंट की क्यों नहीं आती, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा छेड़ा खानी फैमिलीज की आती है, नॉन कंप्लायंस है ही नहीं। कि अगर आप बाकी बीमारियों में देखें तो कंपैरेटिवली आपको कंप्लायंस आपको कनेक्शन आपको कंसिस्टेंसी दिखने को मिल जाती है, बट स्पेशली जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं ना, हाँ यहाँ पे कंप्लायंस है ना, यहाँ पे कनेक्शन है ना, यहाँ पे हम कम्युनिकेट करते हैं क्योंकि हमें वैसे ही हमारी टॉक्सिक शेम होल्ड करके बैठी होती है कि क्या बताएंगे लोगों को, तो उसके कारण हम बीमारी को सिर्फ बढ़ा रहे हैं। बट एक चीज पक्की है, वो कहते हैं ना कि इश्क और मुश्क छुपाने से नहीं छुपता, तो मैं एक चीज और ऐड करती हूँ,
बीमारी छुपाने से नहीं छुपेगी, वो पूरी भवाल के साथ बाहर आएगी। सो सिलेक्टिव शेयरिंग ना कीजिए, क्योंकि हम तो पहले ही कह रहे हैं कि बीमारी के सिम्टम्स आपको कहाँ दिखेंगे, आपको फिजिकल सिम्टम्स नहीं दिखेंगे कि सिर दर्द हो रहा है, पीठ दर्द हो रही है, कमर दर्द हो रही है, आंख से हम कम देख पा रहे हैं। सिम्टम्स कहाँ दिखेंगे? उसकी सोचों में, उसके मूड में और उसके स्वभाव में। अब उसका स्वभाव ही तोड़फोड़ वाला बन चुका है, उसका स्वभाव ही अपनी हर बात को जिद पुकाने वाला बन गया है, ये उस बीमारी का सिम्टम है। उसकी सोच में हमेशा अब शक चल रहा है, ये उसकी बीमारी का सिम्टम है। जहाँ वो जरूरत से ज्यादा खुश रहता है, जहाँ वो कमरे से उठ ही नहीं पा रहा, ये उसके मूड का सिम्टम है। तो हम इसको क्लासिफाई करने में इतनी दिक्कत क्यों कर रहे हैं? हमें क्यों वो चीज, वो क्या चीज है कि हम उसको छुपाने में ही लगे हुए हैं कि पता ना लग जाए, पता ना लग जाए। डॉक्टर मेरे बारे में क्या जज करेगा? सबसे पहले एक छोटी सी बात होती है निधि मैम, कि अगर हम, हमारे पेशेंट को बुखार हो गया और अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, अब बुखार 104 है, तो हम 104 या 102 ही बताते हैं जो बुखार है। हम नहीं बोलते नहीं नहीं बुखार इतना नहीं है। तो जिस तरह बुखार एक लक्षण है, उसी तरह आपका ये कहना ये नशा करते हैं मगर तोड़फोड़ नहीं करते, अगर करते हैं तो उससे डॉक्टर को क्या पता चलेगा, बताओ, कि ये नशा करके तोड़फोड़ नहीं करते। तोड़फोड़ का मतलब है कौन सा डोपम, कौन सा केमिकल बढ़ गया, डोपम। तो डॉक्टर को कैसे पता चलेगा कि बीमारी किस हद तक गई हुई है, केमिकल किस हद तक बढ़ा हुआ है, नहीं पता लगेगा ना। तो बिल्कुल सेम चीज जो दूसरे डॉक्टर के पास आप कर रहे हैं, वही डॉक्टर के पास आपको करनी है। मगर इसमें जैसे निधि मैम ने कहा कि शर्म आ जाती है कि एक वाइफ कैसे बोले डॉक्टर को कि उसका हस्बैंड उसे मारता है, तोड़फोड़ करता है, वो शक कर रहा है, उसको शक है कि मेरा अफेयर चल रहा है। जैसे डिल्यूजन्स हो जाते हैं, हम दूसरे अपने हस्बैंड वाइफ के, वाइफ हस्बैंड के फोन चेक कर रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, ये सब। तो ये सब चीजों को हम छुपा देते हैं, जबकि ये केमिकल्स के ही लक्षण है। सो इसमें देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो अंडरस्टैंड करेंगे, आप एक ऑप्थोमोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, ठीक है, वो कहते हैं जी आपके चश्मे का नंबर 2 है, क्या वहाँ पे आप उसको कॉन्फ्रंट करते हो कि नहीं जी मेरा तो मन था 1 नंबर का ही बनवाने का, मैं तो 1 ही बनवाऊंगा। वहाँ पे हम क्या कहते हैं, ठीक है जी दे दीजिए हम बनवा लेते, बट वाई डिस्क्रिमिनेशन इन दिस हॉस्पिटल देन? Let's ask them only few whys. हाँ, whys नहीं, थोड़ा सा बताओ क्यों? तो पूरी मिल रही है, दिन रात मीटिंग करके दे। या हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि यहाँ आने से पहले आपको नहीं पता था, एक्सेप्ट इट्स ओके, बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया। अब जब यहाँ पर बैठ के बोल रहे हैं, दिस थिंग हैज ऑल इंफॉर्मेशन इन द वर्ल्ड, ठीक है, फिर क्यों नहीं, वो रीजन बताओ। हाँ जी, कुछ फैमिली सम ऑनेस्ट शेयरिंग। हम नॉर्मली देखते हैं यार से जो बॉक्स हो गया है, मेरा बात वो मेरे लगा है, तीन दिन लगा है, लगा गया। अब ये तो काढ़ा भी खा लेता है, सो भी लेता है आराम से, लड़ा काम भी कर लेता है, लड़ा काम भी कर लेता है। हम उस चक्कर में फंस जाते हैं, हम सोचते हैं ये ठीक हो गया, हम उस चीज को भूल जाते हैं कि ये बीमारी बीच में पड़ी हुई है, ये कभी भी फन उठाएगी और आपको नुकसान कर देगी। हमारा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। पेशेंट को तो हुआ ही होता है, पेशेंट में तो ये चीज वहां से आने के बाद हुई होती है, उसको पता मैं ठीक हो गया हूँ। चलो सर, आप तो 3 महीने तक पहुंच गए, हम तो 7 डेज वालों की बात करते हैं कि वो आगे का क्यों नहीं करते या दवाई छोड़ देते हैं, क्या रीजन हो सकता है? सब अपने अपने रीजन दो, इट्स ओके, वी ऑल हैव कॉमन रीजंस। बबीता मैम, कैन वी हैव ऑन? सो चलो एक लिस्ट इसकी बनाते हैं, ठीक है, तो आज ही कंटिन्यू कर लेते हैं कि हम ट्रीटमेंट को साबोटेज क्यों करते हैं, ठीक है, फिर हम जाएंगे। हाँ, फिर हम जाते हैं कि पहले भी आज हम नहीं जाएंगे, आप पहले कारण बताओ कि आप ट्रीटमेंट एक्सेप्ट क्यों नहीं करोगे। लैक ऑफ ट्रस्ट ऑन द ट्रीटिंग टीम, ठीक है। तो आपने पहले बोला था जो बहुत वैलिड रीजन था कि इग्नोरेंस, ठीक है, क्योंकि
यहाँ पे सबसे ज्यादा जो डार्क चैप्टर है वो लाइफ में है मेंटल हेल्थ का, और उसमें भी सबसे डार्केस्ट कॉलम है एडिक्शन का, उसके बारे में तो कोई बात ही नहीं करना चाहता. सो इग्नोरेंस, क्योंकि इतनी सोसाइटी में अवेयरनेस ही नहीं थी, तो हमें पता ही नहीं है कि राइट वे क्या है. एडिक्शन तो वैसे भी हमारी फील्ड में सबसे बदनाम है, बेचारी लिस्ट लास्ट में आती है. डिप्रेशन वाले को तो थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट फिर भी मिल जाती है. एडिक्शन तो सो लैक ऑफ अवेयरनेस, ठीक है, को भी ऐसा ही बोला जाता है कि ये नशा ही करता है, ये जानबूझ कर वो हमारे दैट मींस कि अगर हम इसको क्लासिफाई करें, मतलब तो हमें क्या हो गया कि हमारे कुछ पक्की धारणाएं बनी हुई हैं, तो हमें वो धारणाओं में हम क्या लेंस देख रहे होते हैं कि जो हमारा लव्ड वन है जानबूझ के कर रहा है, जानबूझ के, ठीक है, ये मतलब ये उदासी क्या है, उठो सवेरे वर्जिश करो, ठीक है, करो निकलो तुम्हारी डिप्रेशन आप पे ठीक हो जाएगा. दैट इज नॉट एक्सेप्टेंस कि हम नहीं मानते बीमारी. चलिए फैमिली, सो बिलीफ सिस्टम्स, कुछ हमारी पक्की धारणाएं हैं, ठीक है, कि नशेड़ी गंदे इंसान है, ये हमारा एक और बिलीफ सिस्टम जो बड़ा पक्का हम सोसाइटी से मिलता है. सो हमारा एक माइंडसेट, फिक्स्ड माइंडसेट क्या बना होता है कि दे आर एक्चुअली बैड पीपल, नॉट सिक पीपल. ये तो हमें कोई बताता ही नहीं है कि बीमार है, यहाँ बीमारी नहीं, बिल्कुल. मेंटल डिसऑर्डर्स में जैसे अगर एडिक्शन आ जाता है, अल्कोहल आ जाता है, तो कोई इंश्योरेंस कंपनी भी हमें क्लेम नहीं देती है. इफ वी सी उनको, उनको बाद में पकड़ेंगे. रेस्ट ऑफ द डिसऑर्डर्स तो वो चीजें भी कवर होती है, तो लोगों को अच्छा, लगता है कि मेंटल डिसऑर्डर्स वो अगर कवर हो जाती तो आप मान जाते. नहीं, मान नहीं जाते. इंफॉर्मेशन में गवर्नमेंट ऑलरेडी पास द लॉ, मेंटल हेल्थ इंश्योरेंस मिलनी चाहिए. वो लोग नहीं कर रहे, वो डिफरेंट है, बट प्लीज चेक योर स्टैटिस्टिक्स डेटा. It has been given, authorized by government. Insurance agencies follow. You know, people also went to the courts. Yes. But people were not giving the insurance companies. The court also said that they have to give the insurance. WHO ने मान लिया तभी ये लिस्ट में है बीमारियां, और गवर्नमेंट ने भी मान लिया अब कर दिया, ठीक है. बट अब हम गवर्नमेंट और सोसाइटी पे नहीं जाए, हम तो फैमिलीज ही अपने पेशेंट की दुश्मन बनी हुई है. क्यों? लुक दैट वी हैव स्ट्रगल 1954 में WHO ने मतलब एडिक्शन अल्कोहलिज्म को एज अ डिजीज डिक्लेयर कर दिया था, और आज क्या है 1954 से लेके 2023 24, ठीक है, तो हम वहीं पे बैठे हैं. वो सिर्फ कैलेंडर और सिर्फ वो डेट्स ही बदली हैं, बट हम वही पुराने माइंडसेट में बैठे हैं कि लाइक इट्स बीन योर्स. अच्छा, एक और लिस्ट में ऐड हो गई है बीमारी, को डिपेंडेंसी. पेशेंट की तो बात करी थी, अब फैमिलीज की बीमारी भी लिस्ट में शामिल है. को डिपेंडेंसी इज ऑल्सो इलनेस. सो वी हैव टू फर्स्ट आस्क आवरसेल्व्स, बी ऑनेस्ट विद अस कि हम पूरा इलाज क्यों नहीं करते हैं. हाँ जी बताइए सच्ची. हाँ जी, पास करते जाए बताइए. साडे बंदे बारे साडे नालों वध पता सी तुहानू, साडे बंदे बारे तुहानू वध पता सी वी उह की करदा सी, उहनूं इलाज वास्ते भेजिआ. दसो इहदे विच कित्थे गलत गल आ, कित्थे झूठ इहदे विच. झूठ है कि सच है? सो शेम एंड स्टिग्मा, ये है सच. काफी लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ा समाज इसे एक्सेप्ट ही नहीं करता. मैं कहना वो कहते जी कल मुंडे का विआह करो, विआह करना वा, तो कुड़ी वाले पुछणगे सेंटर कट के आया लै. वाह भाई, शेम है, स्टिग्मा है, सोशल प्रेशर है, ठीक है, रिश्तेदारों का प्रेशर है, हमारे अंदर कंपैरिजंस कितने चलते हैं, ठीक है, कि मेरे
भाई का बेटा कहाँ निकल गया, ये कहाँ चला गया, ये सारी चीजें इतनी खिचड़ी पक्की होती है हमारे दिमाग में, तो हमें लगता है नहीं शॉर्टकट तो इंसान कहीं से ले ही लो, मतलब अब गुजारे जोगे वाली एक सर्विस कराओ और देखते हैं कब तक गाड़ी चलेगी, कोलैप्स होएगी तो दोबारा आ जाएंगे, ये बैठे ही हैं। सोसाइटी का पॉपुलर टूल है दिमाग। नहीं वो ओदे विच भी एक बारी कह देंदे कई यार सुनी दा ओ सार रही ते हुन इन्ना महंगा इलाज कराता अगो जो रब करूंगा वो ये क्यों गया हाँ अही तो कराता अही तो पैसे लैते आ अगो एदी किस्मत व्हाट इज दिस। जे तुसी हार्ट दा इलाज करवाउंदे जे डॉक्टर कहे जी ये इलाज इन्ना वा ये दो स्टंट पैने आ ते अही एक पाए कहांगे अगो रब राखा जी है उत्थे ही कहांगे। और कल हमने एक वर्ड किया था कि लर्नड हेल्पलेसनेस, क्योंकि हमारे सारे की एफर्ट्स जो लगे होते हैं जिस दिशा में वो अब तक फेल हुए होते हैं, तो हमने वो सीख ली होती है कि ठीक है कि अब जो मर्जी हो जाए ये ठीक नहीं होएगा। वो लर्नड हेल्पलेसनेस एक इतना बड़ा आड़े आता है ये वाला, मतलब हमारा स्टेट ऑफ माइंड कि हमें लगता है कि नहीं, क्योंकि हमने वो बेचारगी बेबसी हमने पाल ली होती है, क्योंकि हमारे अपने तरीके, क्योंकि जितने भी इस्तेमाल किए होते हैं उसमें राहत तो थी ही नहीं, थक चुके होते हैं। ठीक है, तो वो ही है कि लर्नड हेल्पलेसनेस में होता क्या, जैसे वो एक मतलब हाथी को छोटा होता है तो वो खूंटे से बांध देते हैं, फिर उसको सर्कस में उसी हाथी को सारे ट्रिक्स कराते हैं। अब मुझे बताओ हाथी एक मेजेस्टिक जो एनिमल सिंबल है पावर का, अब उसको ये नहीं पता कि वो ये खूंटी को उतार सकता है रस्सी से, बट वो क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि उसने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसने सिर्फ वहां पे बंधना सीखा। तो हमने भी जितने अपने एफर्ट्स लगाए होते तो हमें लगता है कि हम में कोई पावर रही हुई नहीं है, इतनी हमारे अंदर बेबसी आ जाती है कि लाइफ हैज बीन अनफेयर, जितना मर्जी हो जाए ये मेरा लव्ड वन ठीक नहीं होगा। बट आपके पास पावर है, अब हाथी में पावर है कि वो एकदम रस्सी को खींच के तोड़ के भाग जाए। हाँ जी नहीं मैं तो पूरा ट्रीटमेंट लेके ही जाऊंगी, तो मन में कोई डाउट नहीं है। जब कई बार फैमिली ऐसे बोलती है ना मेरा मन करता है कि सबकी गवाही ऐसा नहीं है, मतलब कोर्ट में जाने नहीं वो बात नहीं है मैम। देखो एक ट्रस्ट भी होता है, मैं बहुत जगह पे गई हूँ थक हार के ही आई हूँ, और मैंने आते ही सरेंडर कर दिया था कि मेरी लास्ट उम्मीद हो। और जैसे कि मैंने सीखा ये बीमारी है। और कई बार तो जब हम देखते हैं ना कि हमारे सिर्फ जो पेशेंट्स हैं उन्हीं के अंदर डेल्यूजन्स चल रहे हैं, तो अगर हम उनकी फैमिली हिस्ट्री भी देखें, उनके फैमिली मेंबर्स को भी देखें ना, तो हमें भी लगता है कि दे आर ऑल्सो वेरी सिक, कि ये जो शक की हिस्ट्री चल रही है वो फैमिली से चल रही है, वो बेचारा यहाँ पे कार्ड बना के बैठा है। कार्ड तो बेसिकली उस फैमिली का भी बनना चाहिए, जो फैमिली कई बार इतनी रिजिड हो जाती है, इतनी रेजिस्टेंस शो करती है, तो समथिंग वी फील दैट इट्स नॉट ओके, दैट मींस उनकी भी मेंटल हेल्थ। बिकॉज़ फैमिली कहती है कि अच्छा इन्होंने सबको ही फंसा दिया, मतलब इट्स डिफिकल्ट। नहीं मेरे तो अभी भी फैमिली मेंबर ये चीज बोल रहे हैं, मैंने उनको बोला ना कल का जैसे ये चीज है जैसे आपने और मैंने डिस्कस किया, तो वो बोल रहे हैं वो फंसा देते हैं, वो ऐसे अभी भी उनका कोई रिस्पांस नहीं आ रहा मेरे को, हम करते हैं फोन आपको बताते हैं। चलिए एक चीज है कि हम आपने बोला कि हम फंसा रहे हैं, ठीक है, अगर हम आपके लव्ड वन को यहाँ से ठीक करके जाए, अगर वो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल पूरा फॉलो करता है तो लाइफ किसकी ठीक होगी, मेरी डॉक्टर भाटिया की आप? नो मैं मेरी फैमिली। सो इट्स जस्ट वेरी सिंपल दैट कि जब हम काम कर रहे हैं तो हम मतलब वहां पे किसके लिए काम कर रहे हैं, उस पेशेंट के लिए कि उसकी लाइफ हेल्दी हो जाए, फंक्शनल हो जाए और उसकी लाइफ की एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाए। आप तो रोज अखबारे पढ़ते ही हैं, क्या हाल है अभी लास्ट वीक वो था कि वो उन्होंने भाभी बच्चे वो जो शॉर्ट किया, अब आपको हम तो अखबार में रोज पढ़ते हैं, तो हम तो कहते हैं कि ये केस तो मेरे हॉस्पिटल का है। आप जब रात को निकलते हैं रोड रेज हो रहा होता है, जब पी के वो एक दूसरे गाड़ी वाले बाहर निकल आते हैं तो क्या दिखता है, यार ये केस तो मेरे हॉस्पिटल का है, बेचारे ये तो अननोटिस ही जा रहे हैं। सो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखिए जो बाहर है उनको यही लगेगा, बट आप वो क्या है कि आप अपने लॉजिक्स अपने फैक्ट्स अपनी रीजनिंग लगा के देखिए कि अगर इलाज होता है
इलाज से आप ऐसे जब नहीं करवा रहे थे तो आप तो वो भी तो रियल पिक्चर देख चुके हैं। इसीलिए मैंने बोला कि डाटा इंटरवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब तक जब तक इलाज नहीं किया था आपकी लाइफ की क्वालिटी क्या थी, ब्लैक एंड व्हाइट, बुझे बुझे मुरझाए हुए। बिल्कुल ठीक है, अगर आप यहाँ पे ठीक उसको देख पा रहे हैं 3 दिन में, और आप यकीन करो कि अगर वो ट्रीटमेंट को फॉलो करे तो नहीं होगा। आप जिस क्राइसिस में यहाँ पे अपने लव्ड वन को लेके आते हो एंड विद इन 3-4 डेज जब आप डिस्चार्ज करा के जाते हो, कुछ तो फर्क होता है, तभी तो आपको तसल्ली होती है कि अब वो ठीक है। तो इसका मतलब 4 दिन के ट्रीटमेंट में अगर पेशेंट ने रिजल्ट शो किया एंड ही कैन डू दैट। हम तो मैम हम इस बात को भी नहीं डिनाई करते कि जब इन्होंने बोला कि लैक ऑफ ट्रस्ट और फेथ है, तो हमारा फैमिलीज का भी एक बड़ा मतलब उलझन बन जाता है, बिकॉज देयर इज सो मच करप्शन इन आवर सोसाइटी। हम शायद यहाँ आने से पहले ऐसी ऐसी जगह पर गए होते हैं जहाँ पे हमें साइको एजुकेशन नहीं मिली होती, जहाँ पे हमें बीमारी का बताया नहीं होता, और हमारे दिमाग में हमारा माइंड सेट बन जाता है ना कि डॉक्टर भाटिया भी ऐसे ही होंगे, ये जगह भी ऐसी ही होगी, ये जो बैठे बैठे हैं। सो हम इस चीज को पूरी तरह से समझते हैं, ये नहीं कि सारा का सारा जो माइंड सेट और कसूर है वो फैमिली का है। बहुत हद तक सोसाइटी और हमारी गवर्नमेंट, ये सारा जो सिस्टम है वो भी मतलब उसमें शामिल है। सो दैट इज व्हाई हमारा माइंडसेट बन जाता है और हमें शक की नजर में। बट जैसे मैम ने कहा, अब देखो दिस हैज ऑल इंफॉर्मेशन, सारी चीजें हैं, कहीं तो मानना पड़ेगा ना। और द बेस्ट पार्ट इज कि हमारे हॉस्पिटल में प्रोफेशनल्स के साथ साथ एक फेलोशिप है जहाँ पे आप रोज किसी को सुनते हो, हम ठीक हुए, हम रिकवरी में, हम एक अच्छी लाइफ लीड कर रहे हैं। तो आई थिंक दिस इज होप एंड मोटिवेशन इनफ। कितना ज्यादा मतलब आपको एक उम्मीद मिलती है, आपका एक ये चीजें मिलती है। तो शक आपका जायज है, ट्रस्ट एकदम नहीं बनता है। आप नहीं जानते हमें, आप नहीं जानते डॉक्टर भाटिया को, बट देन एटलीस्ट आप यू कैन वेरीफाई एज सिंधी मैम। सो सेशन अटेंड करने के बाद फिर ट्रस्ट हो जाता है, जो नहीं करते उनको नहीं किसी चीज का बिलीव होता है। डेफिनेटली कुछ पास्ट के हमारे पास्ट के कुछ ऐसे बिटर एक्सपीरियंसेस होते हैं जहाँ पे हमारा विश्वास नहीं बनता, तो हम उसी फ्रेम से हर किसी को फिर देखना शुरू कर देते हैं कि शायद ये भी अब हमें मैनिपुलेट ना करें, बिकॉज वी हैव दैट मेडिकल फील्ड में हमने देखा। ठीक है, तो अगर किसी एक इंसान के साथ अगर कोई पास्ट का ऐसा एक्सपीरियंस रहा है तो डेफिनेटली फॉर मी ऑल्सो, कि वो कहते हैं ना दूध का जला छाछ भी आप फूक के पिएगा, तो फिर वो उसके मन में सवाल आएंगे। बट द थिंग इज कि यहाँ पे अगर आप देखो कि वी बीइंग वेरी ऑनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट विद यू, अगर ट्रांसपेरेंसी ना होती तो यहाँ पे हम ओपनली आपको, आपके लव्ड वन और आपको यहाँ पे बिठा के हम लोग यहाँ पे बात ना कर रहे होते। हमारे लिए तो काम ही बहुत आसान है, पेशेंट आया, इनरोल किया आपने, तो पेशेंट की ट्रीटमेंट कीजिए। अब यहाँ पे तो आप देखिए कि हमारे लिए एक और चैलेंज हो जाता है कि फैमिली को साथ लेके चलना है, क्योंकि पेशेंट ने ठीक होके कहाँ जाना है, अपने घर में। अगर फैमिली नहीं उस चीज को समझेगी, फैमिली ये चीज नहीं सीखेगी उसके साथ अब डील कैसे करना है, उसके साथ बात कैसे करनी है, घर के लाइफस्टाइल में कौन से चेंजेस करने हैं, कौन से वो एक्टिव स्ट्रेसेस थे जिसके कारण उसका वो चीज रिलैप्स हुआ है, तो वो कहाँ जाएगा बिना सपोर्ट के। एंड इट्स नॉट वेरी इजी। हमें क्या लगता है कि वो प्रॉब्लम आई थी, नशा किया था और वो सारी चीजें फसाद घर में आ गए, अब नशा छोड़ देगा तो लाइफ वुड बी हैप्पी एंड मैरी। मुझे लगता है नशा छोड़ने के बाद प्रॉब्लम ज्यादा सरफेस पे अब दिखेगी। एडिक्शन के चैलेंजेस और हैं, रिकवरी के चैलेंजेस और हैं। तो आप देखिए कि हम तो बहुत ऑनेस्टली और ट्रांसपेरेंसी से कह रहे हैं कि हमारे पेशेंट का प्रोग्नोसिस ये है। ठीक है, हम तो आपको बताते हैं ट्रांसपेरेंटली कि इट इज अ गुड केस ऑफ रिकवरी, तो मेहनत कीजिए। हम तो आपको साथ साथ पकड़ के पूरी चीजों के बारे में बता रहे हैं, बात कैसे करनी है, कौन से स्किल्स आपने करने हैं, क्योंकि केस उल्टा है हमारा। जब पेशेंट आता है उसमें मोटिवेशन नहीं होती ठीक होने की, क्योंकि वो बीमार है, और फैमिली का वाइस वर्सा, उनमें मोटिवेशन होती है बट उनके अंदर स्किल्स नहीं होते। तो हम पेशेंट की अभी विल पे काम कर रहे होते हैं और फैमिली की स्किल पे काम कर रहे होते हैं, बट होता क्या है कि फैमिली कुछ एक आधा स्किल सुनती है, सेशन सुना, जो स्किल सीखा, उनकी मोटिवेशन डिप करनी शुरू हो जाती है। अब ये जो मोटिवेशन वापस डिप ना हो, तो उसके लिए टूल क्या है कि अपनी उस पेन को, द नीड फॉर ट्रीटमेंट, उस दिन क्या थी मेरे, उस दिन क्या हालात थे जिस दिन मैं बहुत डेस्पिरेट थी कि मेरे बच्चे को एडमिट कर लो, इन्हें ठीक कर लो,
कोई रास्ता में कहते हैं कि हमें तिनके का सहारा मिल जाए वो कि हम वो नीड फॉर जो ट्रीटमेंट जो आप लोग भूल जाते हो अपनी पेन को नहीं याद करते वो रीजन बनता है ट्रीटमेंट को साबोटाज करने का। क्योंकि हम लोग कल हमने यही कहा था कि हम सब देखते हैं हम मजों के दीवाने हैं जब हमें हल्की सी राहत मिलती है तो हम कहते हैं जी अब ट्रीटमेंट ओके जी बाय बाय फिर तो फोन बंद कर देते हैं उठाना हम पेशेंट्स को कॉल करके फीडबैक लेते हैं पहले पेशेंट बंद करेगा फिर उसके बाद उसकी फैमिली आपका फोन उठाना बंद कर देगी फिर बोलती हूँ चलो अब पेशेंट हमारा उसने हमें बायकॉट कर दिया ठीक है। बट हमें पता होता है कि अनट्रीटेड ये जो बीमारी जाएगी वो कहीं ना कहीं वापस बाउंस बैक करेगी। सो दैट इज अनदर वन थिंग कि पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं बट थिंक यहाँ पे रीजनिंग है कि वो जो आप पास में जो ट्रीटमेंट करा रहे थे वो आपको इस तरह से गाइड कर रहे थे वो आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन दे रहे थे उन्होंने आपको साइको एजुकेट किया तो आप कंपेयर तो कर सकते हैं कि आपके पास्ट के क्या थे एक्सपीरियंसेस और प्रेजेंट में किस तरह से लाइन ऑफ ट्रीटमेंट चल रहा है तो आपका विश्वास बनना शुरू हो जाता। क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स जब रिहाब में हमारे पास हर्मिटेज में आते हैं वो अपने बिटर एक्सपीरियंसेस सेंटर के बताते हैं और वो कहते हैं कि मैम जब हमें वहां से शिफ्ट करने लगे थे हॉस्पिटल से हर्मिटेज में हमने मना कर दिया क्यों क्योंकि उनकी पास्ट की जो मेमोरी में जो बिटर एक्सपीरियंसेस रजिस्टर थे दे वर वेरी पेनफुल। फिर वो कहते हैं कि नहीं यहाँ पे तो बिल्कुल डिफरेंट। और जब कभी उनकी शेयरिंग हम सुनते हैं जिस तरह से उनके साथ मतलब इनह्यूमन ट्रीटमेंट हुआ हुआ है तो वो आपको गूसबम्स देते हैं कह रहे यार ये कैसा इलाज कर रहे थे। तो वो पास्ट के डेफिनेटली आप कोई बच्चा सेंटर से रोता बिटता आता है वो सबसे पहले क्या करता है आउट ऑफ रिजेंटमेंट ही जो उसके साथ वहां पे उस तरह से ट्रीटमेंट हुआ होता है सेंटर में तो वो घर जाने से पहले सेंटर से निकलते खुन्नस में पूरी खुंदक में नशा करते फिर हम कहते हैं कि इलाज का तो कोई फायदा ही नहीं। हम तो आप लोगों को टच एंड गो कराते हैं हर्मिटेज का अगर आप प्रोटोकॉल देखिए यहाँ से लेके रिहैब के सफर तक हर्मिटेज के सो यहाँ पे आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है यहाँ पे आपकी पेन को अंडरस्टैंड किया जाता है वहां पे तो आपको इम्पावर करने के लिए हम बुला रहे हैं बार बार ऑलमोस्ट हीलिंग का प्रोसेस तो इन कुर्सियों पर ही आपका शुरू हो जाता है जब यहाँ पे मैम शुरू करते हैं आपके साथ। और रिहैब ट्रेनिंग को लेकर हमारे लिए एक चैलेंज ये भी बन जाता है क्योंकि हमारे सोसाइटी में अनलाइसेंस सेंटर्स हैं अनऑथराइज सेंटर हैं जिनको लाइसेंस नहीं है जहाँ डॉक्टर्स नहीं बैठे जहाँ इनह्यूमन ट्रीटमेंट जिसकी निधि मैम बात कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर हर चीज का हम जवाब दे रहे हैं मगर जब आप पेन में होते हैं जब आपको कोई रास्ता नहीं मिलता आप बिना सेंटर की इंफॉर्मेशन ढूंढे कि आप अपने बच्चे को कहाँ छोड़ के आ रहे हो मतलब एक सब्जी खरीदनी हो तो 3 दुकानें जाते हैं कपड़े खरीदने हो तो इतना पता करते हैं मगर अपने फैमिली मेंबर को हम एक जगह पर छोड़कर आ रहे हैं जहाँ का हमें कुछ भी नहीं पता हमें पता ही नहीं रिहैबिलिटेशन क्या होता है हमें पता ही नहीं व्हाट डज सेंटर मीन मतलब हमारे पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है। सो आप यहाँ पे जब जिस अप्रोच से हम काम करते हैं तो वो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है दैट मीन्स कि डिफरेंट डिफरेंट है यार की बट उन सबका ब्लेंड है। नंबर वन है यार की इज योर साइकैट्रिस्ट क्योंकि जब हम कह रहे हैं कि ब्रेन के केमिकल्स इम्बैलेंस हुए हैं तो वी नीड अ साइकैट्रिस्ट जो एक मतलब मेडिसिन अप्रूव्ड करके ठीक है FDA अप्रूव्ड मेडिसिन लिख के देता है। कैन यू इमेजिन कि कोई डॉक्टर अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो ऐसे कोई तोते वाली पर्ची उठाएगा और आपको लिख देगा उसको अपने लाइसेंस का है ठीक है उसने इतने साल से प्रैक्टिस किया है वो कैसे आपको मुझे बताओ कि तोते की पर्ची उठा के लिख देगा कि ये दवाई लिख दो। ही हैड उसकी स्टडी है इज एन MD डॉक्टर सो नंबर वन है यार की इज लाइक साइकैट्रिस्ट एंड उसके बाद लेवल 2 पे उसकी टीम आती है सारी साइकोलॉजिस्ट की एंड देन द टीम कम्स ऑफ द फैमिली फैसिलिटेटर्स एंड देन फिर उसके बाद आपके पास पूरा 24/7 नर्सिंग स्टाफ है। आप फिर नेक्स्ट नीचे जाते हैं तो आप देखते हैं कि पूरी सिक्योरिटी है वी कैन नॉट वर्क विदाउट देम। आप मतलब मेडिसिन के बिना मैं अपने पेशेंट को टिकाऊंगी कैसे वो मेरी बात सुनेगा कैसे अगर मैं उसको दवाइयां देके उसका डोपामीन के लेवल्स को मतलब मैनेज ही नहीं करूंगी तो क्या वो बात सुन पाएगा वो बता पाएगा उसको क्या दिक्कत है। सो आप देखिए कि हर हायरार्की का अपना अपना रोल है ये जब फ्यूजन होता है तो पेशेंट की ट्रीटमेंट होती है। और जब हम सेंटर्स पता करने जाते हैं तो आपने देखा कि ये पूरी चेन है वहां पर साइकैट्रिस्ट साइकोसोशल इंटरवेंशंस हो रही हैं साइकोलॉजिस्ट की
एक रिकवरी का बेसिकली एक मॉडल है जिसको हम फॉलो करते हैं। जब आप हर्मिटेज में हमसे पूछते हैं कि देयर आर वेरी डिफरेंट ट्रीटमेंट अप्रोचेस एंड डिफरेंट ट्रीटमेंट मॉडल्स, आप हमसे बिल्कुल पूछ सकते हैं कि आप रिहाब में कौन सा ट्रीटमेंट मॉडल फॉलो करते हैं, तो हम करते हैं मिनेसोटा ट्रीटमेंट मॉडल, जो एडवोकेट ही करता है एब्सटिनिज्म को। सिंस मैम रीजन डिस्कस कर रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा रीजन है जो फैमिली एवरी अल्टरनेट डे एटलीस्ट एक फैमिली पूछती है, क्या गारंटी है? क्या गारंटी आपके पेशेंट को हार्ट अटैक आया हुआ है, आप उसको ओटी में सर्जन लेके जा रहे हैं, आप उसको रोक कर बोलते हो क्या गारंटी है? आप बोलते हो जल्दी करो, जल्दी से सर्जरी शुरू करो, क्या गारंटी है? दुनिया का जो बेस्ट सर्जन है ऑपरेशन कर रहा होता है, फिर भी आपसे फॉर्म पे साइन कराया जाता है, जो फॉर्म कोई नहीं पढ़ता कि 50-50 चांसेस है अगर ओटी में कुछ हो गया आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल एंड वी साइन देयर, व्हाट इज द गारंटी? बहुत पूछते हैं अगर हम कर देंगे, अच्छा पीछे क्या चल रहा होता है? अगर मतलब आप देखो, आप अपने फैमिली मेंबर से कितना प्यार करते हो, आपके पास, चलो जिसके पास नहीं है एक डिफरेंट चीज है, जिसके पास पैसे हैं भी वो भी क्या गारंटी है कि भाई मैं इतने पैसे लगाऊंगा और मुझे अगर रिजल्ट नहीं मिलेगा तो? आप हम अपना माइंड सेट देखें, मतलब अभी नी ट्रांसप्लांट के लिए नहीं के वो डलने होते हैं, ठीक है, जब वहां पूछते हैं ये 5 लाख का आप डाल रहे हो, इसकी गारंटी कितनी है, कितनी देर चलेगा? Did anyone ask there? So my counter question to family is, अगर आप नहीं इलाज कराते तो क्या गारंटी है? आपके पास ऑप्शन क्या है? मतलब what option do you have? अगर आप इलाज नहीं करते तो short written guarantee we can give कि क्या होगा, बट जब तक आप इलाज कराओगे ही नहीं, जब तक आप प्रोसेस में चलोगे ही नहीं, तो रिजल्ट कैसे मिले? आपने तो चलने से पहले ही ऑब्स्ट्रक्शन लगा। सो द थिंग इज कि जब आप लोग हमारे पास आते हो ना, तो अगर हम पूछते हैं ना कि क्या करेंगे, तो आप दिस इज अगर एक नॉर्मल बेसलाइन इज दिस, ठीक है, तो जब यहाँ पे कोई हमारे पास आता है वो नॉर्मल बेसलाइन से भी नीचे आता है, ठीक है। अब आप कहते हो कि इलाज क्या करके देगा, ठीक है, इलाज क्या कर रहा है कि आपके इस लो लेवल को नॉर्मल बेसलाइन में लेके आ रहा है, दैट मींस कि वो सिर्फ हार्म रिडक्शन अभी कर रहा है, कि जो नुकसान बीमारी में, पता है हमें प्रोग्रेसिव है ये बीमारी, फेटल है, ठीक है, तो हमने उस नुकसान को, जो पैसे का नुकसान, जो इज्जत का नुकसान, जो रिश्तों का नुकसान था, हमने वो इनिशियली उस स्टेप पे वो बंद किया, दिस इज कॉल्ड हार्म रिडक्शन स्टेज। क्योंकि फैमिली का एक्सपेक्टेशन क्या हो रहा होता है कि पेशेंट आया, ठीक है, मैडम मैं काम क्या तो करेगा, मैडम मैं फाइल ला दें, अरे मैम मैं ब्याह कर दा। आप देखिए तो सी, आप नॉर्मल बेसलाइन से यहाँ पे अभी आप लेके आए थे, आप माइनस में लेके आए थे, अभी तो हम माइनस में उसको उसके नॉर्मल बेसलाइन में लेके जाएंगे, फिर जाके वो कहीं पे हम उसकी फंक्शनैलिटी की बात करेंगे। बट हमारा देखिए कि प्रस्पेक्टिव क्या है कि लाइक विद इन लाइक फ्यू डेज हम सोचते हैं कि ये काम पे कब जाएगा, इसकी शादी करा दें, इसको बाहर भेज दें। सबसे बड़ा फैक्टर है हमारी लिस्ट ऑफ एक्सपेक्टेशंस, ड्रीम्स, विशेस, हमारी लिस्ट हमारे पेशेंट की लाइफ वाली कॉलम से ज्यादा लंबी है। हमारी एक्सपेक्टेशंस, हमारी विशेस, अच्छा अब हो गया, सब बच्चों ने पढ़ाई कर लिया, मेरा बच्चा भी करे, मेरा हस्बैंड भी ये करे, एक्सपेक्टेशन। अगर हम हार्ट के पेशेंट से एक्सपेक्टेशन नहीं रखते कि वो ये कर सकता है, किसी की टांग टूट जाए तो उसका एक्सपेक्टेशन नहीं रखते, तो अब हम इस केस में कैसे रखते? मैं भी देखा फैमिली रीहैब भेजन लगे ना डरती है, ते कनाडा भेजन लगे नहीं डरती। वेरी सिंपल कि जो है बच्चा यहाँ पे यूनिवर्सिटी में, जिसने यहाँ पे अपनी एडमिशन ले ली, जो कॉलेज में यहाँ पे हमेशा बंक करता रहा, वो क्या कह रहे पेरेंट्स को कि वो यूएस से जाके कनाडा जाके डिग्री कर लेगा, मतलब ये अटपटा नहीं लगता? और घर वाले अपनी बेचैनी को दूर करने के लिए वो कहते हैं कि ठीक है लगा दो वीजा, क्योंकि रोज रोज की सामने बेचैनी से हम भागना चाहते हैं। यूएसए भेजा टोर बन जूगी वो तो यो कुछ ही आके सो है टोर ही लाबेंडी बात टोर ही लाबेंडी है सो इनिशियली जो आपसे पूछते हैं कि लोग की ट्रीटमेंट में क्या हो रहा है, ठीक है, ट्रीटमेंट अभी सिर्फ हार्म रिडक्शन की तरफ चल रहा है।
वो उसका एम है, रिकवरी मींस कि लाइफ के ऑल स्फीयर्स वापस ठीक हों, बट वो फंक्शनैलिटी को टाइम लगता है। पहले तो जो नुकसान है, वो जो लीक हर जगह पाइप में हुए हैं, उसको बंद करूंगी ना, फिर कहूंगी ना कि पानी मतलब बाग में पूरा जाए उस पाइप से। एक बात बताओ हमें, मतलब जब पेशेंट आता है क्राइसिस में आता है, तब तो घर वालों का विश्वास बहुत होता है। जब पेशेंट थोड़ा सा ठीक हो जाता है, ट्रस्ट खत्म क्यों हो जाता है? सो ट्रस्ट बनना चाहिए भी, जदों साडा पेशेंट आया सी उदों आ हाल सी, रोटी नहीं खांदा, मारदा कुटदा सी, बोलदा नहीं, आ नहीं करदा, उल्टियां आंदियां सी, आ आंदियां, पेशेंट ठीक हो गया, रोटी पानी खान लग पिया, ट्रस्ट वधना चाहिदा कि ट्रस्ट ते घट जांदा। फिर सर गारंटी मांगते हैं कि 3 महीनों के बाद हमारा बच्चा ठीक तो हो जाएगा, गारंटी मांगते हैं वो। दरअसल जो तुम चाहते जे ना, उन्हें जो कहना इतने कहे ने, मैं तुम इन गल दसदा, इसे करके इलाज औखा, क्योंकि जो तुम सुनना चाहते जे ना, वो नहीं तुम कहना, कितना डिफिकल्ट होता है। इतने खरी खरी गल कहनी जे, गारंटी किसी ने नहीं देनी। मैं अगर ये सेशन कल लगा होता तो शायद मैं इस जिसने भी मेरे को ये क्वेश्चन किया उसको शायद आंसर दे पाती मैं भी। जब आपने बाईपास करवाई, जब आपने गारंटी ली, तो मुझे रिप्लाई नहीं पता था ना। तो ये सच आज भी आंसर दे पाएंगे जब आप 100% एक्सेप्ट करेंगे और ऑनेस्ट होंगे। आपको इस सेशन की जरूरत नहीं है, जब आपका नॉलेज की कमी तो है ना, देन यू डोंट हैव टू जस्टिफाई। उस दिन आप किसी को जस्टिफाई नहीं करो, आप अपने लाइफ के मास्टर बन जाओ। हम इसलिए जस्टिफाई करते हैं बिकॉज हमें भी तसल्ली नहीं होती, इसीलिए हम बोलते हैं मी फर्स्ट, पहले आप मानो, आप ऑनेस्ट हो, आप एक्सेप्ट करो, देन यू यू नो पॉइंट आउट दैट अदर पीपल। फैमिली भी डाइकोटमी में, दो कश्तियों में सवार रहती है। नॉर्मली क्या होता है कि जब हम रिकवरी प्रोग्राम में आते हैं तो दो सर्कल्स की बात करते हैं। तो पहला सर्कल जिसको बोलते हैं सर्कल ऑफ कंसर्न, अब कंसर्न का मतलब चिंता, फिकर, और दूसरे सर्कल की हम बात करते हैं रिकवरी सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, जो रिकवरी प्रोग्राम है जिस पे हम फोकस करते हैं। अब वो कहते हैं कि सर्कल ऑफ जो कंसर्न है वो बहुत बड़ा घेरा है, क्योंकि उसमें मैं फंसी रहती हूँ कि लोग क्या कहेंगे। ठीक है, मैं उन चीज़ों के बारे में, उन चीज़ों को कंट्रोल करने में लगी रहती हूँ जो मेरे बस में नहीं है। अब लोगों के ओपिनियंस मेरे बस में नहीं है, आज आपको ये मिला है, कल को शायद आपका और कोई लव्ड वन, कोई और आपको रिमार्क दे दे। सो रिकवरी कहती है कि आप कंसर्न, क्योंकि वो आपका एरिया नहीं है, आप उस घेरे से निकल के आप सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, वो जो छोटा है, उस पर फोकस करना शुरू करिए। उसका काम क्या है कि वो कहते हैं कि जो तेरे बस में है तू सिर्फ वो कर। तू लोगों को नहीं बदल सकती, बट अपने रिएक्शंस को तो बदल सकती है। तू लोगों के एटीट्यूड को, लोगों की बिलीव्स को नहीं बदल सकती, बट यू नो वॉट यू आर डूइंग, तुम उसको क्यों नहीं करते। यहाँ पे वो अपने ऊपर काम करने की बात करता है। अगर आप कन्विंस्ड हो गए तो आप सर्कल ऑफ कंसर्न से शिफ्ट हो जाओगे सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में, क्योंकि ये सर्कल ऑफ जो इन्फ्लुएंस है वो ये कहता है कि उस जगह पे काम करना जो मेरे बस में है। मेरे बस में सबसे इजी काम है कि मैं अपने ऊपर काम कर लूँ, मैं अब तसल्ली कर लूँ। मैं अगर इलाज करा रही हूँ अपने बेटे का, मुझे फैक्ट्स और फिगर सारे क्लियर, तो आप नहीं उलझोगे लोग क्या कह रहे हैं, क्योंकि आपको पता है आप ठीक जगह पे कन्विक्शन से आपने अंडरस्टैंड किया है और आपने उस रास्ते को फॉलो किया है। तो आपके हाथ में अपने रिएक्शंस हैं, अपना एटीट्यूड है, अपने बिलीफ सिस्टम है, आप उन पे काम कीजिए। कि रादर हम जो लगते हैं कि दुनिया को बदलेंगे या दुनिया को समझाएंगे, वो आपके बस के बाहर, फिर तो आप फिक्र ही करते रहोगे, फिर तो आप अंदर बार हमारे पास तो एनर्जी बचेगी। अपने पेशेंट को भी देखना, अपने आप को भी देखना, सब कुछ काम करना, अगर हमारी सारी एनर्जी उस जगह लग जाएगी तो जो मेन इशू है हमारा, वाकई में तो एनर्जी बचेगी। और आज सिंपल है सर, जब हम कहते हैं कि बीमारी कहाँ से आई, क्यों आई, कब आई, मेरे घर क्यों आई, तो ये सारा कौन सा सर्कल है बताइए, ये कौन से सर्कल में आप घूम रहे हो? सर्कल ऑफ कंसर्न। अब बीमारी, हाँ, दैट मींस की मतलब जो सर्कल ऑफ कंसर्न है वो क्या है, प्रॉब्लम ओरिएंटेड, वो आपको प्रॉब्लम में उलझा के ही रखेगा। बट अब बीमारी घर आ गई है कि आज पता करने जाऊं क्यों आई, कब आई, एग्जैक्ट नेचर, साइंस इज सो हम्बल, साइंस तो आपको भी कह देती है एग्जैक्ट रीजन इज नॉट येट नोन। फैमिली जाके पूछती है, उसने बताया, उसने बताया, उसने कब शुरू किया,
कैसे करा, किसने करा, अब उससे हमें क्या लेगा। नाउ वी हैव टू फोकस ऑन प्रेजेंट की सॉल्यूशन क्या है। तो सोल्यूशन ओरिएंटेड क्या है, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। जब आप अपने ऊपर जो काम करता है उस प्रिंसिपल पे, वर्किंग ऑन मी, कि सिर्फ मैं अपने ऊपर काम कर सकती हूँ, तो वो आपका घेरा बढ़ना शुरू हो जाता है और आपका कंसर्न छिटकने शुरू हो जाता है। अब कोई दिल का दौरा किसी को पड़े, ठीक है, तो वो इलाज कराने जाएगा कि उससे पूछेगा दिल का दौरा क्यों पड़ा, क्या खा नहीं रहा था, तो वॉक क्यों नहीं कर रहा था, तो तला हुआ खा रहा था, उस चीजों में पड़ेगा कि इलाज कराएगा। सो हमें प्रॉब्लम से फोकस होके कहाँ पे आना है, सोल्यूशन। एंड सोल्यूशन मींस कि आप अपने ऊपर काम करिए, आप अपने एटीट्यूड, अपने बिलीव्स, अपने रिएक्शंस को चेंज करिए, दुनिया आपको देख के बदल जाएगी। क्योंकि अगर एडिक्शन कंटेजियस है, सो डज इस रिकवरी। अगर आप बदलेंगे, आप रिकवरी प्रोग्राम कर रहे हैं, तो ये भी छूत है, फैलेगी, बिल्कुल फैलेगी। जब आपके अंदर वो देखेंगे बदलती हुई एज अ मदर वाली एक रोल, एक इमेज, डेफिनेटली। तो आप अपने ऊपर, आप उस सोल्यूशन पे, उस सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पे काम करिए, उसको बड़ा करिए, रादर देन की अब मैं यहाँ पे सोचूं कि हाँ इलेक्शंस आने वाले हैं, कौन जीतेगा, ये मौसम क्यों बदलता है, हाय गर्मियों के कपड़े अब निकालो, सर्दियों के कपड़ों पे कितने पैसे लग जाते हैं, उससे क्या होगा, क्या मेरी चिंता, मेरा फिक्र कम हो जाएगा। जो है उस सिचुएशन के साथ डील कैसे करना है, दैट इज योर सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। सबसे बड़ी बात निधि मैम, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जब फैमिली बोलती है मेरे हस्बैंड ने क्यों किया, इसने ऐसे क्यों किया, तो हम सॉल्यूशन की तो डेफिनेटली बात नहीं कर रहे होते। फैमिलीज को जब बोलते हैं फैमिली फर्स्ट और मी फर्स्ट, तो ये बोल रहे होते हैं कि अपने अंदर झांको कि आप तो सिर्फ अपनी बात कर रहे हो, आप तो पेशेंट का सोच ही नहीं रहे, आप तो डिजीज का सोच ही नहीं रहे, आपको अपनी अर्ज को सेटिस्फाई करना है। हो सकता है कि इस ट्रीटमेंट के दौरान भी हमारे अंदर चीज चलती है कि मैं अपनी खुदक निकाल लूं, मैं अपनी ईगो को सेटिस्फाई कर लूं कि अच्छा काउंसलर को उसने बताया ना, उसने उस दिन गलत किया था, मैं खुश हो गई, मैं सही थी। तो फैमिली को नहीं पता चलता, जैसे एक मछली को नहीं पता चलता है वो गीली है क्योंकि वो हमेशा पानी में होती है, तो फैमिली को नहीं पता चलता कि वो कितनी बीमार हो चुकी है, वो अपना ही सोच रही है, अपने वूंड्स का, अपने पेन का ही सोची जा रही है। सो बहुत हद तक हम अपनी ईगो को सेटिस्फाई कर रहे हो, क्योंकि बता फैमिली को यहाँ पर बैठ के हम वो शिफ्ट कराते कि भैया तुम बीमार नहीं हो, और वो बीमार है और वो क्यों हो रहा है वो समझो। फैमिली जितना मर्जी ऊपर से बोले कि हमने पेशेंट को ठीक करना है, हम उससे बहुत प्यार करते हैं, मगर हम अपने ही पेन को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं, हम अपनी तसल्लियां कर रहे होते हैं। हमारी रिजेंटमेंट्स का कारण क्यों होता है, बता दो। हमारी रिजेंटमेंट्स का हमारे लव्ड वन से कारण इसलिए होता है क्योंकि जो हमने उनसे एक्सपेक्ट किया होता है, जो उनसे डिजायर्स, जो एक्सपेक्टेशंस रखी होती हैं एज अ सन, एज अ हस्बैंड, एज अ डॉटर, वो पूरी नहीं हो रही। बेचैनी मुझे इस चीज की हो रही, मुझे उसकी बीमारी की चैनी, वो थोड़ी बेचैनी है, मुझे तो मेरे सपने दिख रहे हैं कि मुझे मेरे हस्बैंड से क्यों नहीं मिल रहा, बाकी उनको मिल रहा। मुझे गुस्सा तो इस चीज का, मेरी अनमेट जो नीड्स है, मेरी जो अनमेट एक्सपेक्टेशंस हैं, डिजायर्स हैं, वो मेरे सामने नहीं पूरी हो रही। तो मैं तो अपनी वो उसको ठीक कराने के लिए मैं पहले सेल्फ सेंटर्ड इसलिए हूँ कि कहीं ना कहीं मेरे स्वार्थ पूरे हो जाए। सुनने में मतलब समथिंग वेरी वो लगेगा कि बड़ा एक हार्ड स्टेटमेंट है, बट सच्चाई यही कि हमारी एक रीजन यही है क्योंकि हमारे सामने हमारी उम्मीदें नहीं पूरी हो रही। और हम जब आपस में एक दूसरे को देखते हैं तो हमें लगता है कि व्हाई मी देन, मेरे ऊपर ये क्यों बला आई। सो जितने भी हम जो ये बात कर रहे हैं कि जो हम ट्रीटमेंट को साबोटेज क्यों कर, तो उसमें एक डिफेंस मैकेनिज्म वो भी बहुत काम करता है। वो डिफेंस मैकेनिज्म है आप लोगों का डिनाई, जो हम सब में, क्योंकि हमें नेचर ने अपने सर्वाइवल के लिए बहुत सारे डिफेंस मैकेनिज्म दिए हैं, जिसमें से एक डिफेंस मैकेनिज्म है डिनाइल, ठीक है, जो रियलिटी को, क्योंकि रियलिटी बड़ी पेनफुल होती है, वो मुझे एंग्जाइटी दे रही है, वो मुझे बेचैन कर रही है, स्ट्रेस दे रही है। तो नेचर हमें कहती है कि उस एंग्जाइटी, उस स्ट्रेस से बचने के लिए उसने एक मैकेनिज्म दी है कि ताकि टाइम बाय हो जाए, ताकि उस रियलिटी को, हार्श रियलिटी को आप
टाइमली फॉलो कर लो, अडाप्ट कर लो, ताकि आप सडन कोलैप्स ना हो जाए। आपने देखा है ना कि जब कोई अनएक्सपेक्टेड न्यूज किसी को सडन आप क्रैश करो तो एकदम वो शॉक में चले जाते हैं। तो नेचर ने हमें ये मैकेनिज्म दिया है कि हमें जब अनप्लेजेंट कोई चीज पता लगती है तो हमारा पहला रिएक्शन ऑटोमेटिक क्या आता है, वो डिफेंस मैकेनिज्म अनकॉन्शियसली आता है कि हम डिनाई कर देते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए वो रीजन आपका एक बनता है कि आप लोगों की एक्सेप्टेंस क्यों नहीं आती। रीजंस तो बहुत सारे, बट जब आप कहते हो कब ये डिनाइल डिफेंस मैकेनिज्म काम कर रहा है, वो सिर्फ एक टाइम आपसे खरीद रहा है, टाइम बाय कर रहा है ताकि उस बेचैनी को आप धीरे धीरे मैनेज कर ले। और वो कैसे डिनाइल आपका टूटेगा, बात वहीं पे आती है, द नीड फॉर ट्रीटमेंट, कि आप अपना डाटा इंटरवेंशन चेक करिए कि घर के हालात क्या थे, उसके क्या हालात थे, मेरे क्या हालात हो गए थे उसके साथ रह रहे के। मैम ने यूज किया था वर्ड कोडिपेंडेंसी, वो तो रोगी था, उसके साथ मैं रोगी हो गई, जिसको कोडिपेंडेंसी में बोलते हैं हम रोगी, कि उस रोग के साथ, क्योंकि उस रोगी के साथ उसकी बीमारी का रोग डील कर करके अब मैं भी बिल्कुल उसके जैसी हो गई, उसमें और मुझ में ज्यादा फर्क नहीं है। क्योंकि एक आप देखिए कि अगर कोई 10 साल से बीमार है, 15 साल से बीमार है, तो घर वाले किससे डील कर रहे हैं, बच्चे से थोड़ी डील कर रहे हैं, हस्बैंड से वो वाइफ थोड़ी डील कर रही है, वो तो उसकी बीमारी से खींच रही है, लड़ रही है, तो वो तो खुद बीमार हो गई है। तो बीमारी के साए में हम दोनों रोगी हो, और यहां पे हम क्या करते हैं, फिर अपनी नीड्स को नीचे कर देते हैं और उसकी नीड्स को फुलफिल करने के लिए, क्योंकि मैं अपनी वैलिडेशन वहां से ढूंढ रही होती हूँ, क्योंकि उसके पीछे क्या चल रहा होता है कि मैंने इनको नाराज नहीं करना, हमारी पीछे थिंकिंग ये चल रही होती है कि हस्बैंड को नाराज नहीं करना, क्योंकि हम डर से ऑपरेट कर रहे होते कि वो नाराज हो गया तो क्या बनेगा। सो एक कोडिपेंडेंट फैमिली क्या करती है, अपना सब कुछ वार देती है, बट पेशेंट ठीक नहीं होता। सो ये जो आपके तरीके हैं ये साबोटाज करते हैं ट्रीटमेंट को। बट अगर हम यहाँ पे बात करें लैक ऑफ अवेयरनेस की, तो हम कहते हैं आप लोगों के पास गूगल भी है, सर्च इट, व्हाट वी आर सेइंग, आप बिल्कुल चेक करिए कि हम जो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, आपको जो साइको एजुकेट कर रहे हैं, उसकी ऑथेंटिसिटी कितनी है, बिल्कुल चेक करिए। हम लोग बैठे हैं, वी कैन हेल्प यू आउट। जो ये अभी तक इन्फॉर्मेशन या जो भी आपके साथ शेयर कर रहे हैं, इससे रिलेटेड आपका कोई इनपुट या क्वेश्चन है, क्योंकि हम नहीं चाहते सिर्फ हम ही बोलते रहे, क्या आप इसमें से कोई भी फैक्टर जो हम लोगों ने शेयर किया बोर्ड पे लिखा है वो आपके दिमाग में चल रहा है, बताइए किसी भी स्टेज पे, चाहे आप एक साल से रिकवरी में, एक दिन से रिकवरी में, एक महीने से रिकवरी में, 10 साल से रिकवरी में है, आप जिस पे बात करना चाहेंगे वी आर रेडी टू हेल्प यू आउट। अगर आपके अंदर कोई बिलीफ सिस्टम्स अब कुछ बन के आ रहे हैं, ठीक है, कि कितनी देर दवाइयाँ चलेंगी, थेरेपी का क्या एडवांटेज है, रीहैब का क्या एडवांटेज है, लोग ऐसे बोलते हैं, तो हम आपके उन पुराने डरों को बिल्कुल चैलेंज करने के लिए तैयार। क्योंकि अगर कोई बिलीफ सिस्टम आपको लिमिट कर रहा है तो उसको बदलना आपको पड़ेगा। अगर वो धारणा अगर आपको बढ़ा रही है, एम्पावर कर रही है, तो हम बोलेंगे होल्ड इट, उसको पकड़े रखिए, आगे बढ़िए। बट बहुत सारे आपको लगेगा जब आप जाओगे कभी, आप सोचना बैठ के कि आपकी अपनी धारणाएं ही आपको ट्रीटमेंट से कन्नी कर कतराती। आप देखिए दवाइयों को लेके आपके अंदर फिक्स माइंडसेट बैठे होंगे, ट्रीटमेंट को लेके आपके फिक्स माइंडसेट है, ठीक है। लोगों को क्या लगता है, माइंडसेट ही है ना, व्याह करा दो तो ये ठीक हो जाएगा, रियली इसको बच्चा जब हो जाएगा, जिम्मेवारियां आएंगी, ठीक है, तो ये ठीक हो जाएगा। तो ये क्या है, ये आप लोगों के बिलीफ सिस्टम्स हैं। क्यों मेंटल हेल्थ को हमने इतना स्टिग्मेटाइज किया हुआ, क्योंकि ये भी आपका क्या है, बिलीफ सिस्टम है। तो इन पे आप खुल के बात करिए ना, चलिए आप बाहर बात नहीं कर सकते थे, इस जगह पे तो आप बात कर सकते हैं, एंड यू हैव राइट दैट, बिल्कुल आप लोगों का राइट है कि आपके मन में कोई डाउट है, कोई अप्रिहेंशन है, कोई क्वेरी है, वी आर देयर टू एड्रेस यू आउट। मैंने बोला कि हम दो प्रिंसिपल्स तो ओपनली यूज कर रहे हैं, ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी। अगर कुछ हमें करना होता तो हम अलग अलग बिठा के बात करते, हम इकट्ठे नहीं बिठाते, हम आपको रिहैब में भी हर हफ्ते ना बुलाते फैमिली मीटिंग्स के लिए कि आइए देखिए मिलिए फोन करिए,
फ्राइडे कॉलिंग डे है, सैटरडे वहाँ पे हमेशा एक ट्रेनिंग सेशन होता है, अपार्ट फ्रॉम दैट आपके ऑनलाइन सेशंस चलते हैं, ये लाइव मीटिंग्स आपको मिलती हैं। बताइए कहाँ ट्रांसपेरेंट नहीं है, कहाँ ऑनेस्टी से हम आपको मतलब इस चीज़ के लिए अवेयरनेस के लिए नहीं आ रहे। समटाइम्स पेशेंट्स हमें बहुत ओवर प्रेशर करते हैं, जैसे आज मैं अपने हस्बैंड को 2.25 महीने के बाद मिली, उनका कहना क्या था कि अगर मुझे आज नहीं तो इस मंथ लेके जाएगी। मैंने कहा मैंने पेमेंट्स कर दी हैं, उनका आज ये मंथ रिन्यू होता है, तो मैं कब किसी भी फ्राइडे तेरे से बात नहीं करूँगा, ना मैं तुझे दोबारा मिलूंगा। हम ओवर प्रेशर क्यों होते हैं, इसमें उनकी तो कोई बात ही नहीं है, हम ओवर प्रेशर क्यों हो रहे हैं। तो आप अकेली वाइफ नहीं हैं, ऐसा नहीं होता होगा। नहीं नहीं, नहीं लेटो 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 यही फैमिली की पेन है, यही कोडिपेंडेंसी है, यही सारी चीजों से हमें सबको गुजरना है। वो मुझसे जाके बिल्कुल नॉर्मली मतलब चेयरफुल वे में बात करे, बट रियल पिक्चर क्या हुई, इसका मतलब मैंने बीमारी के रूप रंग को अभी नहीं पहचाना, मेरी उम्मीदें जो टूटी उसके कारण मेरी पीड़ा बढ़ रही है आज। बीमारी बहुत ही चलाक ताकतवर मायावी है, आज आपको आपके हस्बैंड का रियल सेल्फ दिख गया, ये तो अच्छी बात है। अच्छा, हम इसको बिल्कुल साइंटिफिक वे में आंसर करते हैं, उनके कोई हैप्पी केमिकल्स नहीं मिलते, उनको वो महसूस जो मैं जहां से महसूस होता है वो ब्रेन का हिस्सा काम नहीं कर रहा, जैसे हड्डी टूटी है, जैसे आंखों से दिख नहीं रहा तो नहीं बन रहा, तो वो नहीं कनेक्टेड फील कर रहे। कल हमने इसी केमिकल को तो डिस्कस किया था, कौन सा केमिकल नहीं बन रहा जिससे लव और कनेक्शन बनता है, वेरी सिंपल। इसको क्यों चक्कर आ रहा है, ये क्यों गिरती जा रही है, इसका एचपी लो है, क्या हो गया इसका, इसका बीपी लो है। अब अपने दिमाग को बार बार इसे साइंटिफिक आंसर देना पड़ेगा, आप मेडिकल फील्ड में हो, आप अपने पेशेंट को साइंटिफिक आंसर देते हो, तो आप अपने दिल को क्यों नहीं दे पा रहे। दैट इज व्हाई ये सेशंस है, वी आर गिविंग यू द रीजन, क्यों स्माइल नहीं करना, पेशेंट नहीं बनेगा डोपामिन, डोपामिन बनेगा तो स्माइल करेगा, वेरी सिंपल आंसर। तो ये वाली चीज को अब क्योंकि हमारी पेन इतनी बड़ी है हमें नहीं नजर आ, उसकी पेन इतनी बड़ी है उसको आप नहीं नजर आ रहे, तो जिस तरह से पेशेंट का प्रोसेस चल रहा है फैमिली का भी प्रोसेस चल रहा है। आप कितना परेशान हो, आप कितना रोए, उसको नशा नहीं मिल रहा तो वो वहां विड्रॉल में है, आपको आपका हस्बैंड नहीं मिल रहा तो आप विड्रॉल में हो, आप भी तो विड्रॉल में हो। फैमिली फोन करती है 11 बजे रात को, अभी बात कराओ, मुझे नहीं पता मैं कुछ कर लूंगी, मुझे मिलाओ, अभी क्या है, फैमिली का नशा ही है। और जब यही चीजें बताई जा रही है, दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। और जब हम कहते हैं डिनाइल, आपको मालूम है डिनाइल के कितने पैटर्न्स हैं, डिनाइल तो सात बीमारी में फंसा के रखता, कंपैरिजन चलता है, मिनिमाइजेशन चलता है, जस्टिफिकेशन चलता है, मतलब वो डिनाइल है पेशेंट में, एज सिंपल एज दैट, कि वो क्या कह रहे हैं, मतलब मेरा लव्ड वन कह रहे कि अगर आज मुझे नहीं लेके गई तो रिश्ता खत्म, इसका मतलब क्या शो करता, इक्वल्स टू कि मेरा लव्ड वन डिनाइल में, ही हैज नॉट एक्सेप्टेड द रियलिटी कि एडिक्शन बीमारी है और उसके लिए उसको इलाज की जरूरत है। और उसको प्रेशर करने की कंडीशनिंग किसने करी है, हमने करी है, क्योंकि इससे इसका मतलब है उसका ब्रेन कौन सा मैकेनिज्म यूज कर रहा है, कौन सा टूल यूज कर रहा है, वो हम पहले कर चुके हैं, हम ब्लैकमेल हो चुके हैं, हम प्रेशराइज हो चुके हैं, तो वो सीख चुका है, इसलिए वो फिर से वही टैक्टिक्स यूज कर रहा है, तभी तो फैमिली की साइको एजुकेशन और ट्रेनिंग हो रही है, तभी तो इसको कनिंग कहा गया कि जो आज तक आप जैसे किया वैसे कोई बात नहीं बनी, तो यू नीड टू फर्स्ट चेंज योरसेल्फ। सन इट्स नॉट यू, आस्क एवरीबॉडी, एवरीबॉडी, क्योंकि बीमारी सेम है, तो यहाँ पे जो आज हंसते हंसते जा रहे हैं चौथे दिन ही कहेंगे फोन करके, लेने आ रहे हो कि नहीं आ रहे, मेरा पता है ना, फिर आपके सामने बैठ के करूंगा। हमने तो यहाँ तक जब हम कॉलिंग कराते हैं ना फ्राइडे को फैमिलीज को, तो आप हमसे पूछिए पेशेंट, उनके मतलब चार टैक्टिक्स हमें जो पता है, जानते वो थ्रेटन करेगा,
मैं रिश्ता तोड़ दूंगा, डिवोर्स दे दूंगा, तेरा मेरा खत्म है, नहीं लेने आना ना, दैट इज नंबर वन जो वो फोन पे देता। फिर और कुछ नहीं, अग्रेसिव ब्ला 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 शुरू हो जाता फोन पे। नंबर थ्री, फिर वो प्लीट करता। कुछ पेशेंट्स मेरे प्लीट कर रहे होते हैं, एक मौका दे दो, मैं आपका बेटा नहीं हूँ, ठीक है, नहीं मिलेगा, आप देखो एक बार मेरे पे विश्वास कर लो, मैं करूँगा तो वापस छोड़ जाना, ठीक है माँ, मैं सच्ची मुझसे पूछ, यहाँ पे सोया नहीं जा रहा, मेरे अंदर कुछ नहीं जा रहा, एक मौका दे दे, वो प्लीड है। फिर बार्गेनिंग, जो आपके हस्बैंड बार्गेनिंग कर रहे हैं कि मैं तीन नहीं दो महीने कर रही कि मुझे यहाँ से ले जाए, हमारी कंडीशनिंग ये हो चुकी है कि हम एक्सपर्ट्स को सुन रहे हैं मगर नहीं मान रहे, बट हम यही चीज पेशेंट से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो क्यों नहीं मान रहा। सो सी दैट, आप देखो ना, उन्होंने आपसे बार्गेनिंग भी की और आपको थ्रेटन भी किया, तो ये किसके सिम्टम्स मैंने बताए। मैं तो हर हफ्ते बीमारी को देखती हूँ और मैं ऐसे बैठी होती हूँ, कहता मैम दो मिनट बाहर जाके बात कर लूँ, मैं कहा नहीं, जो बोलना बोल दो, कोई बात नहीं, गुस्सा करना करो, आई एम ओके विद दैट, क्योंकि मुझे पता है वो जो कर रहा है उसकी बीमारी के सिम्टम है। मेरे सामने ही बैठ के वो अपनी वाइफ को उस तरह से स्टेटमेंट्स दे रहा था। फोन के दूसरी तरफ बैठा है, उसको हम यही रूल पहले से बोलते हैं, डिटैचमेंट सीखोगे तो पेशेंट का इलाज करा पाओगे, वरना एक आलू का परांठा कच्चा हर्मिटेज में मिलना काफी है टू गेट द डिस्चार्ज। और ये हो चुका है, ये हो चुका है, एक मदर अपने पेशेंट से, अपने बेटे से इतनी अटैच थी, इतना मोह था कि उसको बड़ी मुश्किल तक पहले तो हर्मिटेज भेजा, फिर ये टेलीफोन राउंड जिसकी बात कर रहे हैं निधि मैम, पहले ना हम अकेले अकेले टेलीफोन करवाते थे सब, तो फैमिलीज बहुत परेशान होती थी, तो फिर राउंड सिस्टम शुरू हुआ। राउंड सिस्टम में एक थेरेपिस्ट, एक काउंसलर बैठता था और फोन होते थे, तो ऐसे ही फोन पास करते करते उस पेशेंट पर पहुंचा। अब उस पेशेंट को लग रहा होगा मैं कि सबके सामने कैसे प्रेशराइज करूं, कैसे करूं, तो वो मजाक मजाक में अपनी मदर को कहता, अच्छा आप क्या खा रहे हो, उसने पूछा, आगे से उसने बोला होगा कि आलू का परांठा खा रहे हैं, खाया मैंने, हाँ, उसका जवाब पता क्या था, बड़े आराम से उसने बोला, हाँ हाँ तुसी खाओ आलू दे परांठे, मैं ते कच्ची रोटी खांदा। अब ये सेंटेंस उस माँ को हिलाने के लिए काफी था, क्योंकि माँ का तो मिशन ही लाइफ का है ग्राइयां तोड़ तोड़ के बच्चे को खिलाना, उसके लिए खाना बनाना। अब वो माँ सुन रही थी, वो माँ दो घंटे में हर्मिटेज आ गई अपने बेटे को डिस्चार्ज करा। अब आप बताओ, एक छोटी सी चीज थी, हो सकता है कच्चा फुल्का ना हो, कच्चा फुल्का तो चलो घर में भी है, हो भी गया, चलो मान लिया हो गया, कच्ची रोटी घर में भी बन सकती है, मगर वो माँ का दिमाग उस टाइम हाईजैक हो गया और वो बेटे को भूल गई, अपनी उसको चिंता हो गई। और मुझे बताओ, जब वो एडिक्शन में हो गया तो वो खा रहा होगा परांठे, इतने दिन हमारे पेशेंट खा रहा होगा। अब देखिए, जब हमारे सामने पेशेंट बात कर रहा होता है तो हम क्यों इन्फ्लुएंस नहीं होते, क्योंकि मुझे क्या दिख रहा होता है, ये पेशेंट की बीमारी है। अब बीमारी कहाँ दिख रही मुझे, उसके बिहेवियर में, तो आई एम वेरी ओके कि बिल्कुल, मैं कहती हूँ पक्का 100% ये ठीक जगह पे मेरे सामने बैठा। मैं तो उस तरह से देखती हूँ, क्योंकि एज अ प्रोफेशनल, क्योंकि मुझे उसके सिम्टम है, उसको अब लूज मोशन थोड़ी आनी है, उसने वॉमिट थोड़ी करनी है, अब उसका बिहेवियर मुझे कहाँ दिखता है, एवरी फ्राइडे जब मेरा कॉलिंग राउंड शुरू होता है देन आई कैन सी दैट, तो मुझे लगता है सिम्टम्स है। बिल्कुल, आई एम कन्विंस्ड कि डॉक्टर भाटिया ने ठीक कैंडिडेट को भाटिया हॉस्पिटल से हर्मिटेज में हमारे पास पहुंचा। सो सी दैट मैम, ये जो हम कह रहे हैं ना, ये आप अपनी साइको एजुकेशन ये लेंस लगा के देख ले कि आई एम नॉट डीलिंग विद माई हस्बैंड राइट नाउ, पेशेंट है जिसका इलाज चल रहा है, हॉस्पिटल में बैठा है और ये बीमारी इस तरह से है, जहाँ वो मुझे थ्रेट करेगा, जहाँ प्लीट करेगा, वास्ते देगा, जहाँ मेरे से बार्गेन करेगा, तो ये बीमारी के सिम्टम है, तो और क्या प्रूफ चाहिए हमें कि मेरा हस्बैंड बीमार है। तो मन ना भरो, तगड़े हो, ठीक है। पेशेंट दी बीमारी ते सिम्टम भी हुण रूम च जाईदा ना, उन्हें चैनल केड़ा लाया वा, इत्थों पता लग जांदा अंदर की चलन दिया, होर ते पुछन जे हिट पंजाबी लाए आ, इहदा मतलब कि अज खुश है बंदा, घर दे भी खुश है, ये इत्थों पता लग जांदा, इह भी इहदा सिम्टम है, इहदी बीमारी दा सिम्टम है, पुछन दी गल करन दी कोई एडी लोड़ नहीं हुंदी, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੈਮਲੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ, ਫੈਮਲੀ ਦੇ ਵੀ ਸਿਮਟਮ ਹੀ ਦੇਖੀਦੇ ਆ।
देखो ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਰੋਂਦੇ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਣਗੇ ਬਾਅਦ ਚ ਓਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਲੀਫ ਹੋਊਗੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਹਾਸਾ ਹੋਊਗਾ। ਕ੍ਰਾਈਂਗ ਇਜ਼ ਅ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸਪੌਂਸ ਇਟਸ ਓਕੇ ਆਫ ਯੋਰ ਬੋਡੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਮੇ ਵੀ ਆਤਾ ਹੈ, ਪੇਨ ਮੇ ਵੀ ਆਤਾ ਹੈ। ਹਮ ਜੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੋਤੇ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਅਗਰ ਆਪਨੇ ਵਾਲੀਅਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, इसमें वो अपनी मदर के डेड बॉडी के सामने नशा नहीं कर पा रहे, जैसे अमन सर का भी यही कहानी है, तो हम नहीं कर सकते, हमें फीलिंग नहीं आती। फीलिंग भी तभी आने शुरू होती है जब नशा लेते हैं। इसलिए अगर कोई रूप आ रहा है बहुत बढ़िया। यस, हमारे पेशेंट जब हर्मिटेज में रोते हैं तो हमें खुशी होती है, दैट मीन्स अंदर हलचल हो रही है। अगर हमारे पेशेंट तोड़फोड़ या गुस्सा कर रहे हैं, वी फील इट्स गुड, समथिंग इज हैपनिंग। अगर हमारा पेशेंट बिल्कुल शांति से खुश बैठा है तो हमें टेंशन हो जाती है, और अगर वाइस वर्सा फैमिली लो रही है तो हम कहते हैं कि जो बहुत देर से उसने पेन अपने अंदर दबा के रही थी आज वो बह रही। आप देखो कि फॉर द इयर्स दैट वाइफ हैज गॉन थ्रू लॉट ऑफ पेन उसने दबा के रखा हुआ है, और आज कौन सी लैंग्वेज बाहर आ रही है आंखों से, तो हल्का ही हो रहे हो, होने दो, मन भर के रो लो, थेरेपी है ये। ਮੈਨੂੰ ਹਰਮਿਟੇਜ ਪੁੱਛ ਕੇ ਰਵਾਤ ਆਈ ਕਿ ਤੂੰ ਰੋਂਦਾ ਕਿਉਂ ਨੀ ਪਿਆ, ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਬੋਲੇ ਕ੍ਰਾਈਂਗ ਇਜ਼ ਅ ਨੈਚੁਰਲ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸਪੌਂਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੂੰ ਅੱਜ, ਨਵੀਨ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੋ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਰਵਾਇਆ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਮ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਥੇ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਹਰਮਿਟੇਜ ਕੇ ਸੈਸ਼ਨ ਮੇ, ਤੋ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੇ ਸਾਤ ਰੰਗ ਰੇਨਬੋਸ ਕੇ एक्सपीरियंस करने पड़ेंगे हम सबको, बट तो हमें भागना नहीं है। वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि सिर्फ हमें डोपामीन की बस बारिश होती, डोपामीन की सिर्फ बारिश होती रहे, नहीं, तो हमें किनमिन हर रंग की चाहिए। सीख रखा है गुस्सा दबाओ, आंसू दबाओ, सब दबाओ, हमें सीख। वेरी ब्यूटीफुल कैन मोस्ट। वी आर गुड एट मास्किंग आवर इमोशंस, और वो इतने सालों से मास्क किया है तो आज बह गए हैं, ठीक जगह पे बहे हैं, बहने दीजिए।